आज श्री कृष्ण जन्माष्टमी, तो चलिए आज श्री कृष्ण के बारे में एक तथ्य जानते हैं। ये तो आपने सभी ने सुना होगा कि श्री कृष्ण भगवान की 16108 रानियां थी, और शायद इसी तर्क पर कई लोग हिंदू धर्म में एक से अधिक शादी को सही ठहराते हैं। लेकिन इसके पीछे की वजह कुछ और ही थी। दरअसल ये बात है उस समय की, जब एक नरकासुर नाम का राक्षस राजा राज्य की सुंदर स्त्रियों का अपहरण करके उन्हें कैद कर लेता था। और जब ये बात श्री कृष्ण भगवान को पता चली तो उन्होंने राक्षस का वध कर दिया और सभी स्त्रियों को मुक्त करा दिया। लेकिन जब वो सारी स्त्रियां अपने घर लौटी तो उनके पति और पिता दोनों ने ही उन्हें स्वीकार करने से मना कर दिया। इससे दुखी होकर सारी स्त्रियां रोती बिलखती श्री कृष्ण के पास अपनी फरियाद लेकर पहुंची, और तब श्री कृष्ण ने सभी को अधिकार दिया कि पहचान पूछे जाने पर वो खुद को श्री कृष्ण भगवान की पत्नी बता सकती हैं। गाइस, श्री कृष्ण ने यह सिर्फ इसलिए किया ताकि वो हजारों महिलाओं को अनाथ और बेसहारा होने से बचा सके। वैसे गाइस, A2 फैमिली की तरफ से आप सभी को हैप्पी जन्माष्टमी, राधे राधे। एप्पल के फाउंडर स्टीव जॉब्स श्री कृष्ण भगवान के बहुत बड़े भक्त थे। जी हाँ गाइज, आप ठीक सुन रहे हैं। दरअसल एप्पल से पहले स्टीव जॉब्स अमेरिका के एक सामान्य परिवार से ताल्लुक रखते थे, और उस वक्त उनकी माली हालत इतनी खराब थी कि उनके पास खाना खाने तक के पैसे नहीं थे। इसी वजह से वो कॉलेज के पास मौजूद श्री कृष्ण भगवान के मंदिर में खाना खाने जाया करते थे और वहीं पर गीता का पाठ भी सुनते थे, और शायद इसी वजह से उन्हें इंडिया आने की प्रेरणा भी मिली। लेकिन साल 1971 में जब वो इंडिया आए तो उनका एक्सपीरियंस बिल्कुल खराब था, क्योंकि इंडिया आते ही उनके पैसे चोरी हो गए। यहां तक कि उन्हें पैसों के लिए चूना लगाने की कोशिश भी की गई। लेकिन इतना सब होने के बावजूद भी उन्होंने इस एक्सपीरियंस को पॉजिटिव वे में लिया, जिसकी प्रेरणा उन्हें उसी श्री कृष्ण भगवान के मंदिर से मिली थी जहां पर वो रोज खाना खाने जाया करते थे और गीता का पाठ सुनते थे। वहीं श्री कृष्ण भगवान ने भी गीता में यही कहा है कि आपके साथ क्या होता है ये आपके कंट्रोल में नहीं है, परंतु उस चीज के लिए आप किस तरह से रिएक्ट करते हो ये आपके कंट्रोल में है। वैसे गाइस, आपको स्टीव जॉब्स की कहानी सुनके कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर लिखेगा, और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलते हैं अगली वीडियो में।